Now we start the how the microorganism help in the cleaning the environment. Now do one activity also in 2.5. Take two pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A and things like polythene bags, empty glass bottles, and broken plastic toy in pot B. Put the pot aside and observe them after 3 to 4 weeks. आप क्या करोगे, you have to take two pots and mark it A and B, उनको mark कर लोगे, and in pot A you have to be put what with the soil and the plant waste, जो आपके plant का जो waste है उसको रखना है, and point B में आपको like waste polythene bags हो गए, empty glass हो गई, bottles हो गए, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज हो गए, और उसको 3 से 4 हफ्ते बाद यानी कि इन अराउंड 1 मंथ के बाद आप उसको चेक करोगे. यू हैव नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज, यानी कि किसी भी तरीके के चेंज नहीं हुआ, वो रिमेन एज इट इज़ है. द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इन टू मैन्यूअल, और उसको किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं कर पाए. बट इन पॉट ए वॉट विल हैपन, दे पुट पिट लाइक इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्यूअल. नाउ आप जो आपके बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, दे जनरली फीड ऑन द डेड डिकेइंग मटेरियल, तो उसको वो ईजली इंजेस्ट करके और वॉट एवर दे एक्सक्रीट आउट इट विल चेंजेस इनटू द यूजेबल फॉर्म, यानी कि जो इट कन्वर्टेड इनटू द मैन्यूर, और दीज मैन्यूर्स आर वेरी बेनिफिशियल, यानी कि हम ये चीज़ जान सकते हैं कि जो भी आपके इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जो प्रकृति की जो चीज़ होती है वो ईजली डिग्रेड हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है. नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो लाइक आपके पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गए, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो कन्वर्ट नहीं होते. इट्स टेक अराउंड 400 to 500 ईयर टू डिकम्पोज, यानी कि उसको बैक्टीरिया ईजली पचा नहीं पाते और उनको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते. नाउ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यार वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाउ वी डिस्कस अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, दोज विच आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी जनरली वी कॉल दैम पैथोजिन, उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजिन. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोदिंग एंड लेदर, जैसे कि आप जानते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने से लेकर कपड़े से लेकर हर चीज़ को ख़राब कर सकते हैं ना, क्योंकि वे दे जनरली फीड ऑन दैम, क्योंकि वो उसको खाते हैं. नाउ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैथोजिन एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी कि जो पैथोजिन्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किसी भी तरह हमारी बॉडी में जा सकते हैं बाय द एयर, वाटर, फूड, लाइक फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी भी तरीके से. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन और कैरीड बाई, या तो वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन यानी कि किसी बीमार है उससे हमें वो चीज़ बीमारी हो सकते हैं, या किसी एनिमल के थ्रू वो हमारी बॉडी में पहुँच सकते हैं, यानी कि नाउ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू ईयर, वाटर एंड फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि कोई भी बीमारी जो किसी इंसान से, पानी से, हवा से, खाने से और किसी भी फिजिकल कांटेक्ट में और काफ़ी लोगों को अफेक्ट करे, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं. लाइक अ डिजीज़ लाइक अ कोलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि 1 पर्सन में अफेक्टेड, अगर आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में आओगे तो वो बीमारी आपको भी हो सकती है. जैसे कि आजकल हमारी वर्ल्ड में काफ़ी ख़तरनाक बीमारी पैंडेमिक इन अ फॉर्म ऑफ लाइक कोरोना, विच आर इज ऑल्सो आ कम्युनिकेबल और ऑल इन अ पैंडेमिक फॉर्म, यानी कि जो बहुत लार्ज स्केल में पीपल्स को अफेक्ट करे इन जनरली इन अ लार्ज एरिया इन अ वर्ल्ड, तो इट इज़ अ पैंडेमिक डिजीज़. नाउ व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेज द ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन एयर, जैसे कि आप देखते हो गया कि किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो अगर वो स्नीज करता है विदाउट द कवरिंग देयर माउथ विद द हैंड कर्चीफ और हैंड, तो उसके जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं जो वायरस कैरिंग होते हैं वो हेल्दी पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं ना.
देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो. कुछ हम ये देखेंगे कि कुछ एनिमल होते हैं वो कैरियर का काम करते हैं, यानी कि एक बीमारी को दूसरे तक पहुंचाने का काम करना, उनको हम क्या कहते हैं, कैरियर्स. अब जैसे कि लाइक फ्लाइज जो होती हैं, जो हमारे घरों में मक्खियाँ होती हैं, जो वो भी एज अ कैरियर काम करते हैं. दे आर सिट ऑन द वेस्ट थिंग्स और द स्पॉइल्ड फूड, यानी कि वो कहीं भी बैठ जाती हैं, एंड देन इट टेक द जम्स फ्रॉम देयर, एंड इफ दे टच इट, एंड नॉर्मली दे आर सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, देन इट विल बी पुट द जम्स ऑन द हेल्दी फूड. तो वैन वी टेक दिस फूड तो वी आर ऑल्सो सफर्ड, यानी कि उस खाने को अगर हम खाते हैं, खुली हुई वस्तुओं को, यानी खुली हुई थिंग्स को, ईटेबल थिंग्स को, तो वी आर अफेक्टेड फ्रॉम द डिजीज. ना वैन दिस फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजिन, ईट द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक. इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर, यानी कि हमें हमेशा बोला जाता है कि अपने खाने को हमेशा कवर्ड करके रखें, यानी कि उस पर मच्छर मक्खी जैसा कैरियर का काम करते हैं वो ना बैठे. ना अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज अ फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो विच कैरी द पैरासाइट, यानी कि जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटोज होती है वो पैरासाइट को कैरीज करती है जो कि मलेरिया फैलाता है. ना फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू फीवर, एडीज जो मॉस्किटो होता है वो डेंगू फैला मतलब आपके स्प्रेड करता है. ना हाउएवर कैन बी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, हम किस तरीके से इसको बचा सकते हैं. ना ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स टायर्स फ्लावर पॉट एक्सेट्रा. बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग. दे ट्राई टू मेक ओके कि अब क्या करना है, हमें खुली चीज़ों पे जहाँ पे पानी कलेक्ट हो सकता है उधर पे पानी को नहीं रखना है, यानी कि पानी को स्टोर नहीं होना चाहिए जिसमें कि मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि उनके जो लार्वा स्टेज में होते हैं वो लार्ज अमाउंट में मॉस्किटो प्रोड्यूस होते हैं, एंड लार्ज पीपल्स गेट अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज. नाउ